पसीना निकल गया है पूरा पहुंचते पहुंचते। कहाँ जानू? या पहली बार सुन रहे होंगे खीरे का साग, पर ये ना बहुत टेस्टी होता है। जरा सा कितना ये लगा रखा हमने, इसको बोलते हैं। मेरे को नहीं चढ़ना ऊपर आसमान में। बना रही हूँ नानी का दिया हुआ कटहल। बोलो बोलो चलो चलो। चलो पकड़ो कुकू का हाथ, पकड़ो चलो। मैडम को जय कैसे करना है? कुकू मैडम को जय कैसे करना है? मुंह से बोलो। हम पहुंच चुके हैं ऊपर सड़क पे, और कुकू और आयांश की भी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। आज वो जा रहे हैं आंगनबाड़ी। तो चलिए जी फटाफट से आज की वीडियो की भी शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं, और इतनी गर्मी में जा रहे हैं ऊपर आंगनबाड़ी। कल रात तो इतनी तेज बारिश के बाद खिलखिलाती हुई कड़कती धूप भी आ चुकी है। पूरा कोटरी सहन साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से। चलो टकलू टकलू चलो। पसीना निकल गया है पूरा पहुँचते पहुँचते, और आंगनबाड़ी में हो रहा है बच्चों का हल्ला। लड़े रहे होंगे ना कुछ, हल्ला कर रहे हैं वहां से। चलो चप्पल उतारो पहले यहाँ पे आयांश। आयांश यहाँ देखना भाई साहब, क्या धम मचा रखा इन्होंने। ये आयांश क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो वहाँ सामने से बारात आ रही है। अब पता नहीं बारात आ रही है कि क्या आ रहा है। ढोल डाल बैंड बाजी की आवाज़ तो आ रही है, और लोग भी दिख रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रही है, इस टाइम कौन सी शादी हो रही है। ये सब बारात देखने के लिए खड़े हो रखे हैं यहाँ पर। कौन जाएगा शादी में? आप जाओगे? आप भी जाओगे? आप भी जाओगे? आपको कहाँ जानू? कहाँ जानू? क्या हो रहा है वहाँ पर? बैंड बंद हो गया, ऐसे कर लो, फिर बज गया, फिर शुरू हो गया। डांस करो, नाचो नाचो। बैंड बंद हो गई थी। मैडम को बाय करो, कल आएंगे, बोलो कल आएंगे। अब बाय बच्चों। ये बारात नहीं है, हम सोचे थे पहले किसी की बारात जा रही है, पर शायद कोई ना रिटायर हो रखा है, हो रखा है या हो रखी है, अभी समझ भी नहीं आ रहा कुछ। वो घर जाके ही पता चलेगा, लोगों के मुंह से सुनने को मिलेगा तब।
तो ये ना उस गांव से आ रखे हैं, वो सामने गांव दिख रहा है, उस गांव से आ रखे हैं ये लोग। तो अब हम खा रहे हैं दिन का खाना। दिन के खाने में बना रखा है मम्मी ने, ये है खीरे का साग। या पहली बार सुन रहे होंगे खीरे का साग, पर ये ना बहुत टेस्टी होता है। मैंने भी जब सुना था ना तो मेरे को भी बहुत अजीब सा लगा था कि खीरे का कैसा होता होगा, पर खाने में बहुत टेस्टी होता है। और चावल है और सलाद में प्याज काट रखा है। स्कूल खुल चुके हैं और बच्चों की छुट्टी हो गई है, आ गए सभी बच्चे स्कूल से घर। हो गई छुट्टी। नमस्ते। तो बच्चों से पूछते हैं इन्होंने छुट्टियों में क्या करा घर पे। क्या करा तुमने घर में छुट्टियों में? हा? क्या करा छुट्टियों में? कुछ नहीं करा। घूमने गए कहीं? ना। स्कूल का काम करा? हा? तो कैसा लग रहा है दोबारा स्कूल जाके? अच्छा। अच्छा लग रहा है? हा? मजा आ रहा है? स्वाद आ रहा है। कटा मीठा। सामने से मम्मी भी राशन लेके आ रही हैं। कंट्रोल से मिला है राशन, पूछती हूँ क्या क्या मिला है। कितना राशन मिला मम्मी? जरा सा। कितना? 7.5 किलो। चावल है? गेहूं है? गेहूं। अच्छा गेहूं है बस। नानी ने भिजवा रखा है हमारे लिए कुछ सामान कोटद्वार से, तो यानी टैक्सी में आ रखा है हमारा वो सामान, तो उसे ले लेते हैं पहले। तो सामान तो कल आने वाला था। क्या हो रखा है रोड को? रोड टूट रखी है। ये भी है? ये भी है। भारी। ये भिजवा रखा है नानी ने बनारसी आम, और ये है 2 कटहल। ये सब नानी लोगों के पेड़ के हैं। तो ये आम और कटहल पहुँचने में पूरे 2 दिन लग गए हैं, क्योंकि कोटद्वार और दुगड्डा के बीच में ना रोड ब्लॉक हो रखी है, वहाँ पे ना टूट गई है रोड, तो इसीलिए जाम वगैरह लग रखा था, तो इसीलिए कल नहीं पहुंच पाया। और आज हम ना कटहल की सब्जी बनाएंगे। तो नानी का बहुत बहुत धन्यवाद, नानी ने बनारसी आम भिजवाए हमारे लिए और कटहल भिजवाया। मम्मी और अयांश तो चले गए हैं झूला झूलने के लिए। इस टाइम अयांश बहुत लग जाता है जिद में कि मेरे को झूला झूलना है करके, तो गूगल भी रो रहा था बहुत देर से। वैसे तो उसे पापा घुमा के ले आए हैं, उसे एक बार मैं भी लेके जा रही हूँ घुमाने के लिए। अब पीछे से दादी लोग भी आ रहे हैं। दादी धान लगा के आ गए? लग गई पूरी धान? अच्छा अभी शुरुआत हुई है? सुबह चले गए थे क्या आप लगाने के लिए? हम 10 बजे गए थे। 10 बजे सुबह? हाँ वही तो 10 बजे सुबह हुई ना, तो हमारे दिन हो गई है, दिन हमारे लिए सुबह हुई। अच्छा तो लग गई धान आपकी भी? अब वहाँ नहीं आते वो जानवर? तो देखभाल कौन करता है वहाँ? कोई नहीं करे। हमने ये ना ये लगा रखा हमने, इसको बोलते हैं शिवली। हाँ ये पेड़ है जो? अच्छा, ये पेड़। हाँ उसके बांस के डंडे बांध रखे हैं के लिए। अच्छा ताकि ना तो सुअर वगैरह सब मतलब नहीं आते? सुअर बकरी सब जानवर हो जाते हैं। अरे अब क्या करें, अब पास में हो तो देख लेंगे, हो जाती होगी अब दूर हो ना। और यहाँ पे सांची लोगों की धान भी लग चुकी है, पूरा पानी से लपालप भर दिया है खेत को, और अच्छे से धान भी लगा दी उन्होंने, क्योंकि उनकी ना उनकी बिजवाड़ बड़ी बड़ी हो गई थी तो उन्होंने लगा दी। कुछ लोगों की अभी छोटी छोटी है तो वो थोड़ी देरी में लगाएंगे। और ये यहाँ पे घास लगा रखी है, ये लगा रखी है गाय बाछी के लिए। अब ये कुछ दिन में ये भी कट जाएगी तो इसके इस खेत में भी धान लग जाएगी। कंचू दीदी भी आ गई है। मिल ही जाते हो आप, मतलब मेरे कैमरे में आ ही जाते हो कहीं ना कहीं है। काटो काटो। ए चढ़ गई दीदी त्यो पेड़ पे। ओ ना ना भाई, मेरे को नहीं तोड़वाने अपने हाथ पैर। मैं ऐसी ठीक हूँ नीचे जमीन में, मेरे को नहीं चढ़ना ऊपर आसमान में। किस चीज का पेड़ है दीदी? ये भ्यूल। वो ही है ना जिसका शैम्पू बनता है? जिसका शैम्पू बनता है? शैम्पू भी बना दिया था।
भीमल, भीमल इसी को तो बोलते हैं ना, मतलब आप गढ़वाली में बोल रहे हो भ्यूल है। अच्छा क्याड़े भी इसी के होते हैं क्या? अच्छा हो, तो क्याड़े तो बहुत बारीक होते हैं। ओ बस अब ठीक है। ये प्यार कुछ नहीं, ऊंचा लग रहा है ना, आप ऊंचा लग रहा है, ऊंचा लग रहा हूं वहां पे, ऊपर से पत्थर लगा है लग रहा है। तो पीछे जो प्यार ये काल पर, तो आजकल ना बरसात का मौसम हो रखा है और तेज रात को ना बहुत ही तेज बारिश होती है, तो ताऊ जी बस उसी का बंदोबस्त कर रहे हैं क्योंकि वहां पे ना पत्थर हिला दिए हैं बंदरों ने और पानी नीचे कमरों में जा रहा है, तो ताऊ जी पन्नी लगा दी ताऊ जी वहाँ पर ताकि पानी नीचे ना जाए। अब मैं भी फटाफट से रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। आज के खाने में मैं बना रही हूँ नानी का दिया हुआ कटहल, तो ये मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है क्योंकि मैं ना कटहल फ्राई करके ही बनाती हूँ, वो ना बहुत टेस्टी बनता है ऐसे करके। और यहाँ पे उसके लिए मैं मसाला बना रही हूँ, इसको फिर मैं ना मिक्सी में पीस दूंगी मसाले को। तो यहाँ पे मैंने भी अपनी थाली लगा ली है और रखे मैंने आम, कटहल की सब्जी और रोटी। तो चलिए जी आप फटाफट से हम खाना खा लेते हैं और आज की वीडियो को भी यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।